स्ट्रिंग जो कि 2D एरे का है, अगर आप दो स्ट्रिंग 2D एरे, आप कैरेक्टर डेटा टाइप का 2D एरे क्रिएट करते हैं, उसमें आप अगर दो स्ट्रिंग यूजर से लेना चाहते हैं एज एन इनपुट, तो उसको कैसे लिया जा सकता है। देखिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, उसको ऐसे रहने देते हैं, सी इन, देन आपको सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट देना पड़ेगा यहाँ पहले वाला, ठीक है, बाकी ये सिर्फ इसका 0 लिखना पड़ेगा। देन एक और नेम, देन 1, ओके। नाउ इसको प्रिंट करने के लिए सिमिलरली आपको यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, देन वो यहाँ लिखते हैं, एक टैब देते हैं नेम 1, ओके। तो इस तरीके से ये स्टोर होगा, दो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा और दोनों स्ट्रिंग का आउटपुट भी हम लोग इसमें देखेंगे। ओके चलिए इसको रन करते हैं। तो इसमें मैं स्टोर करने वाला हूँ ये की, और दूसरा मेरा स्ट्रिंग होगा सोर्स। तो ये दोनों स्ट्रिंग आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा है की सोर्स। इस तरह से आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं स्ट्रिंग, अगर आपके प्रोग्राम में ये ज़रूरत है तो, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। ओके वाह, ये तो सुपर इजीएस्ट तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। ओके, यहाँ 0 का लिखा गया क्योंकि पहला स्ट्रिंग जो है ये उसका लोकेशन है, 0 पर वो स्टोर होगा। फिर दूसरा स्ट्रिंग नेम 1 पर स्टोर होता है, और उसी तरह उसके लोकेशन के अनुसार उसी उसके लोकेशन को लिख कर ही हम उसको आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। ओके ना, ये यहाँ तक ईजी है, हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन क्या होगा अगर यही नेम जहाँ हम लोगों ने 2 नेम प्रिंट किया वहीं अगर आपको 200 नेम्स कहा जाए कि 200 नेम्स आपको अपने एरे में स्टोर करना है, यानी कि 200 स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट है क्लास में, 200 स्टूडेंट पढ़ 200 स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहाँ 200 स्टूडेंट के नाम आपको लिखने, तब आप क्या करेंगे, तब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फिर से बर्थडे कर नेम 2, इस नेम 3, नेम 4, नेम 5, नेम 6, इस तरह के आपको 200 तक लिखना पड़ेगा, हर एक का अलग अलग लोकेशन देना पड़ेगा। नहीं, वैसे हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यूज़ करेंगे इन दिस केस फॉर लूप का। ओके, फॉर लूप का हम लोग यूज़ करेंगे और ये ऑटोमेटिक इस चीज़ को रिपीट करेगा और हर एक लोकेशन पर एक एक अलग अलग स्ट्रिंग को स्टोर करता जाएगा। ओके, तो ये कोड है, कैर डाटा टाइप है, नेम सबस्क्रिप्ट इसका 2 मैंने दिया है, 2 मीन्स 2 स्ट्रिंग, 20 मीन्स हर स्ट्रिंग का 20 करेक्टर, इंट आई लिया है लूप चलाने के लिए मैंने, आई इक्वल 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप एरे के लिए लूप चला रहे हो तो आप आई को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ना कि 1 से। ओके, क्योंकि एरे का पहला लोकेशन जो होता है वह होता है 0 देन 1। अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो पहला लोकेशन आपका 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि एक एक कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं आप अपने 2D एरे में, तो एक इंटीजर वैल्यू आपका मिस हो जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो एक स्ट्रिंग आपका मिस हो जाएगा, इसीलिए आई को हमेशा 0 से इनिशियलाइज करना है जब आप यूज़ कर रहे हो 2D एरे या फिर एरे। क्लियर है? नाउ फॉर लूप के थ्रू हम लोग इसको स्टोर करेंगे। पहले तो ये आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा, इंटर स्ट्रिंग सी एन के थ्रू नेम, ये रन होगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जब रन होगा तो पहली बार आई का वैल्यू रहेगा 0, तो नेम 0 में पहला स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, ये लूप फिर से दोबारा चलेगा, अब आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो नेम 1 में दूसरा स्ट्रिंग होल्ड हो जाएगा। ओके, उसी तरह आउटपुट आउटपुट में भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, आई का वैल्यू पहले 0 रहेगा, यानी कि नेम 0 में जो भी होगा वो आप आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, फिर आई का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होगा और नेम 1 में जो भी स्ट्रिंग होगा वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से इस कोड के थ्रू हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे और इस कोड के थ्रू हम लोग उसको आउटपुट स्क्रीन पर देख पाएंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। पहला स्ट्रिंग मैं दे रहा हूँ गिकी और दूसरा सोर्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं गिकी सोर्स 2 स्ट्रिंग आपको आउटपुट दिख रहा है। ओके, इंड लाइन मैंने दिया था ताकि दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक न्यू लाइन आए, इसलिए आपको दो अलग अलग लाइन्स पर दिखिए। ओके ओके, देन आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।